नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। चीन की चाहत है अपनी चाल मुकम्मल करना और इसके लिए अपनी जी तोड़ कोशिश में वो जुटा हुआ है। चीन को पता है कि अगर अपनी चाल विश्व के सामने मुकम्मल करनी है तो उसके लिए उसे अपनी सैन्य ताकतों को और मजबूत करना होगा। अभी हाल ही में देखा जाए तो चीन की तकरार अमेरिका के साथ भी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि अमेरिका से तनाव के बीच चीन ने हवा में अंतर महाद्वीपीय मिसाइल को मार गिराने का सफल परीक्षण किया है। जमीन आधारित इस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का देश की सीमा पर परीक्षण किया गया। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि एक रक्षात्मक परीक्षण था और किसी देश को लक्ष्य करके नहीं किया गया था। अखबार में यह दावा किया गया है कि इस मिसाइल रोधी प्रणाली ने अपने सभी लक्ष्यों को पूरा किया। तो वहीं चीन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पीएलए ने इसी तरह का परीक्षण पिछले साल फरवरी में किया था। इसके साथ ही चीन की ओर से जमीन आधारित एंटी बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण की छठी बार घोषणा की गई है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सतह से हवा में मार गिराने वाली मिसाइल होती है जो बैलिस्टिक मिसाइलों को बीच रास्ते में ही मार गिराने के डिजाइन की गई है। ये डिफेंस सिस्टम अंतर महाद्वीपीय मिसाइलों को मार गिराने में काफी कारगर माने जाते हैं। बता दें कि ग्लोबल टाइम्स ने चीनी विशेषज्ञों के हवाले से दावा किया है कि इन सफल परीक्षणों से चीन की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता ज्यादा विश्वसनीय हो गई है। इससे चीन को अब कोई देश परमाणु हमले की धमकी देकर ब्लैकमेल नहीं कर सकेगा। चीनी विशेषज्ञों ने कहा है कि अंतर महाद्वीपीय मिसाइलों को बीच रास्ते में मार गिराना बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने कहा कि इस चरण में परमाणु बम से लैस मिसाइल वातावरण के बाहर बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। इसके साथ ही चीनी के विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि जब दुनिया में हाइपरसोनिक मिसाइलें आ रही हैं, ऐसे में मिसाइल को आखिरी चरण में मार गिराना अब बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसे में बीच रास्ते में मिसाइल को मार गिराने की ताकत हासिल करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। चीन ने ये मिसाइल परीक्षण ऐसे समय पर किया है जब ड्रैगन का ताइवान पर हमले का प्लान लीक हो गया है। इसमें चीनी अधिकारी कह रहे हैं कि वे ताइवान को लेकर युद्ध छेड़ने से नहीं हिचकेंगे। चीन की ताइवान के खिलाफ 140,000 सैनिक एक साथ जंग में उतारने की है। खैर, ये युद्ध होगा या नहीं ये तो नहीं कह सकते, लेकिन चीन लगातार मिसाइलों के परीक्षण करता जा रहा है जो विश्व युद्ध की घंटी बजने के संकेत दे रहा है। फिलहाल आगे क्या अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन।